प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शहीद कर्णवीर सिंह को दी श्रद्धांजलि। कर्णवीर के पिता रवि कुमार सिंह का बढ़ाया ढाढ़स, कर्णवीर के हौसले को किया सलाम। खंडवा में उपचुनाव को लेकर अंतिम दौर पर है प्रचार। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने उपचुनाव की संगठनात्मक जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों से की चर्चा। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की आम सभा। कहा, कांग्रेस को राष्ट्रीय बीमारी है। कांग्रेस केंद्र में होती तो रामलला का मंदिर कभी नहीं बन पाता। कश्मीर से धारा 370 नहीं हटती। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो क्या श्री रामलला का मंदिर कभी नहीं बन पाता। कश्मीर से धारा 370 नहीं हटती। भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 पर विवाद। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। प्रकाश झा पर काली स्याही फेंकी। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निकाली साइकिल यात्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर सचिन बिल्ला के दल बदल पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, बिकाऊ माल बिकेगा और टिकाऊ टिकेगा। देखो एक बात सुन लो जी, जो बिकाऊ माल वो बिकेगा जी, जो टिकाऊ माल है टिकेगा। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर हजारों रुपए ठगी करने का मामला। शिकायत के बावजूद केस वापस नहीं होने पर फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। अक्टूबर को तकरीबन शाम को 4:30 बजे मुझे कॉल आई है कि मैं तरुण भनोट साहब का पीए बोल रहा हूँ और सर से बात कर लीजिए। जब हमने सर से बात की है, मतलब जो भी व्यक्ति मुझसे बात। मरवानी में अवैध हथियार सहित पंजाब का रहने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल और दूसरे सामान किए जब्त। थाना बरला में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति जो कट्टे लेके घूम रहा है वहाँ पर एरिया पे, ये दूधसेरा गांव में उमरटी बलवाड़ी रोड पर, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके उनको तलाशी ली गई, तो जिनसे 3 12 बोर के कट्टे और 3 पिस्टल जब्त। शिवपुरी में पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी साली की हत्या। लाश को पत्थरों में दबा दिया था। विकास यादव उनकी टीम ने किया है और इसमें हमको ये 15 तारीख की घटना का। ग्वालियर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी ज्यादा हो रही है, अपने क्षेत्र में देखें तो उसी तार में मुखबिर लगाए थे, तो मुखबिर के द्वारा बताया गया कि भैंस मंडी के पास 2 लड़के चोरी की बाइकें लेकर बेचने के लिए खड़े हुए, जिसकी तस्दीक हेतु फोर्स को भेजा गया। आष्टा में बीआईटी विश्वविद्यालय के दूसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। स्नातक के 409 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। होशंगाबाद के सोहागपुर तहसील में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की जिला इकाई की बैठक। सभी नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्षों को दिए गए नियुक्ति पत्र।
उदयपुर के ई मेगा कैंप में हितग्राहियों को बांटी गई सामग्री, हितग्राहियों को सीधे मिलेगी आर्थिक सहायता आदेश की कॉपी भी दी गई। उमरिया में शराब के अवैध कारोबार पर प्रशासन की सख्ती, सरैया घाट से 13 क्विंटल से ज्यादा महुआ लहान बरामद, 25 लीटर देशी शराब भी मिली, सामग्री को मौके पर ही किया गया नष्ट। ये की गई है कि उमरा नदी में महरोई के पास नाले से और तुलवा के पास नदी से सरैया के पास। होशंगाबाद में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ, सुहागिनों ने चांद को देखकर की पूजा अर्चना, सुहाग की सलामती के लिए की प्रार्थना। अमरपाटन में मनाया गया करवा चौथ, सुहागिनों ने की पति की लंबी उम्र की कामना, चांद को देखकर की पूजा अर्चना। भोपाल में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ, महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा, पति की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। बड़वानी में सुहागिनों ने मनाया करवा चौथ, पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। सतना में सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, चांद निकलने पर की पूजा अर्चना, चांद और पति को छलनी से देख कर पूरा किया व्रत। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जारी है कार्रवाई, त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। क्या रही कार्रवाई? ये हमें सूचना मिल रही थी लगातार, अभी दिवाली आने के पहले ये सिंथेटिक मावा बनने की सूचना है और ये सप्लाई झांसी बोलने की सूचना मिल रही थी एक बस से, तो इसके लिए हमने प्रयास किए थे, शुरू कर दिए थे। सूरजपुर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर हुआ हादसा, दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन हुई रद्द, विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उतारा। जबलपुर में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल हुई नष्ट, नुकसान को देखते हुए सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हमारे इधर का ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए हम लोग हल्की फसलों का ज्यादा उत्पादन करते हैं। हमने अभी मक्का लगाया था, तो जब हमने मक्का भिंड में त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोर हुए सक्रिय, पुलिस ने 2 टन मावा किया जब्त, उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था मावा। हमें सूचना मिल रही थी लगातार, अभी दिवाली आने के पहले ये सिंथेटिक मावा बनने की सूचना है और ये सप्लाई झांसी बोलने की सूचना मिल रही थी एक बस से, तो इसके लिए हमने प्रयास किए थे, शुरू कर दिए थे। 2-3 दिन हो गए इसके पीछे हम लगे हुए थे। और बैतूल में मानवता क्रूरता की सभी हदें पार, बच्चे के शरीर पर दागे लोहे की गर्म रॉड, पुराने जख्मों को ठीक करने के लिए घर वालों ने झाड़ फूंक कर लिया सहारा।
बच्चे को दुकान भेजे थे सर, वापस लौटने में वो गिर गई, ब्रेक कार है ना जो गली में, वो ब्रेक कार में गिर गई थी। फिर सूजन आ गए तो साथ में मत में स्कूल में गई और साथ में फिर डम्मा दे। देवलपुर में आरएसएस ने निकाला पंथ संचलन, जगह जगह किया गया स्वागत, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल राहत तैनात। संभल के जलालपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर तनाव, विवाद बढ़ने पर जमकर बरसा पत्थर और ईंट, आधा दर्जन लोग घायल, वीडियो वायरल। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन, स्कूली बच्चे बुजुर्ग समेत दिव्यांग लोगों ने भी लिया हिस्सा। ये आजादी के अमृत महोत्सव का भी एक पार्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव जो कि 12 मार्च को प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑलरेडी साबरमती में स्टार्ट कर दिया गया, उसके अंतर्गत देश के विभिन्न विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, मिनिस्ट्रीज द्वारा कई कार्यक्रम किए। रायगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता नंद कुमार साहब पहुंचे एसपी ऑफिस, पुलिस प्रताड़न से आदिवासी युवक की हत्या मामले में 1 करोड़ का मांगा मुआवजा। मैं बहुत दुखी हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन लोग हैं मैं किसी का बहुत नाम नहीं जानता, लेकिन वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप बालाघाट में भारत सिद्धि अमर शहीद की शहादत को नमन, शहीद के स्मारक पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष समेत विधायक प्रदीप जायसवाल और कई लोग रहे मौजूद। अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश, पुलिस स्मृति दिवस हम मना रहे हैं 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो 23 अक्टूबर डेट तय की थी, 23 की जन्म के लिए वहाँ जाकर हमें एक नया कार्यक्रम आयोजित करना था। जबलपुर में त्रिवेणी हेल्थ केयर अस्पताल में विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध, गंभीर मरीजों के इलाज में भी नहीं आती है कमी। मेरा मानना है टूरिज्म नागपुर के डॉक्टर के समकक्ष उनसे कहीं भी कम नहीं, और कई बातों में तो हम लोग उसके आगे, और कई बातों में, एक दो बातों में नहीं, कई बातों जिसके मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, पर अपने पास समय कम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुकरू तक 89 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की धज्जियां, खटिया निर्माण से जगह जगह पड़े गड्ढे, बनने से पहले ही उजड़ी सड़क। भैंसे से कुकरू तक ये जो रोड बन रही है लगभग 90 करोड़ रुपए के लागत की बन रही है, तो यह रोड का निर्माण कार्य चालू है, तो यह किस प्रकार बन रही है? ऐसा लग रहा है कि घटिया किस्म की बन रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की तबीयत बिगड़ी, बुखार के चलते वापस जेल भेजा गया, आशीष के ब्लड सैंपल लिए गए। डॉक्टर्स का पैनल उनको देख रहा था, तो कल रात को फिर उनकी जांचें हुई हैं, तो उन जांचों में डेंगू पॉजिटिव आया है। डेंगू पॉजिटिव को कन्फर्म करने के लिए खंडवा लोकसभा उपचुनाव में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की हमशक्ल की एंट्री होने पर सियासत शुरू, कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशान, बीजेपी ने किया पलटवार, कहा योगी की शक्ल का ये पार्टी कार्यकर्ता है जो चुनाव प्रचार कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्था को भी चुनौती देने वाली वो बात है, जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बतौर मुख्यमंत्री काबिज है और भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन में उन्हीं की लोकप्रियता को भुना रही है, स्टार प्रचारक वे ही है। वन विभाग की टीम को मिली सफलता, 4 दिन बाद गांव से पकड़ा गया मगरमच्छ, मगरमच्छ के आतंक से ग्रामीण शाम को अपने घरों में कैद हो जाते थे, अब ग्रामीणों ने भी है राहत की सांस।